तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज जो हमारे पास टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पंप्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हम पंप्स की बात करेंगे, ठीक है। लास्ट टाइम तक हमने देख लिया कि वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो एक बेसिक आइडिया सबको पता ही है कि पंप होता क्या है। देखते हैं कि लेमेन लैंग्वेज में हमें बिल्कुल देखना है कि व्हाट इज पंप, या उसका काम क्या होता है। क्या होता है, देखो घरों में हमने देख रखा है कि अगर मान लो कोई अंडरग्राउंड टैंक हमने यहाँ पे बना रखा है इस तरह से, और वहाँ पे पानी स्टोर है, और हम ये चाहते हैं कि जो हमारी बिल्डिंग की टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसे जब हम छत या टेरेस कहते हैं, वहां पे हमने कोई क्या है टैंक लगा रखा है, तो हम क्या चाहते हैं वाटर यहाँ से लिफ्ट करके हम कहाँ ले जाएं, यहाँ पे ले जाएं, ताकि उसके बाद ये ओवरहेड टैंक से, ये जो हमारे पास ओवरहेड टैंक है, वहां से वाटर क्या हो सके सारे घर में, घर के सारे हिस्सों में सप्लाई हो सके, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कि हमने वाटर को यहाँ से लिफ्ट करके कहाँ पहुंचाया है, यहाँ पे पहुंचाया है वाटर को लिफ्ट करके, हमने इस अपवर्ड पोजीशन में पहुंचाया, उसकी हाइट का राइज कराया। तो ये जो काम होता है ये कौन करता है, यहाँ पे हम क्या है कुछ सेटअप लगा देते हैं या फिर एक मशीन लगा देते हैं, उस मशीन को हम क्या कहते हैं, पंप कहते हैं, ठीक है। तो ये तो लेमन लैंग्वेज में हो गया कि वाटर के हमें वाटर का राइज करवाना है, तो दैट मशीन इज पंप। तो एक्चुअली में देखो, अगर हम पंप देखना चाहें, जो डेफिनेशन बुकिश डेफिनेशन किताबों में लिखी है, उसे हम क्या कहते हैं, पंप इज अ हाइड्रोलिक मशीन विच कन्वर्ट्स द मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड टू इट इंटू हाइड्रोलिक एनर्जी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि पंप ऐसा मशीन होती है, हाइड्रोलिक मशीन होती है, जो क्या करती है मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो है, जो हम देख सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलिक एनर्जी। हमारे पास हाइड्रोलिक एनर्जी, या फिर सॉरी, फर्स्ट पॉइंट हम जो देख सकते हैं वो क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलिक मशीन। हाइड्रोलिक मशीन क्या होगी, ऐसी मशीन जो वाटर से रिलेटेड वर्क करती हो, हाइड्रोलिक हमें पता है। सेकेंड उसने क्या कहा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है, देखो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम क्या कराते हैं, शाफ्ट को रन कराते हैं। हमारे पंप में क्या लगा होता है, शाफ्ट लग रखा था, तो शाफ्ट जब रन करता है तो उस शाफ्ट के पास जो एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। अब वो जो मैकेनिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो एज अ सिविल इंजीनियरिंग जो हमारे पास जो मेन पोर्शन आता है, वो हमें ये देखना होता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी कैसे हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एक्चुअली में हमें कितनी हाइड्रोलिक एनर्जी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक मैं वाटर को कितनी एनर्जी सप्लाई करूँ कि मैं यहाँ से यहाँ तक उसका राइज करा सकूँ। तो वो फंक्शन हमें देखना होता है एज अ सिविल इंजीनियर, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें जो लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, इंक्रीजेज दी स्टोर्ड एनर्जी। जो वाटर की पास जो एनर्जी होती है, वो जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसको इंक्रीज कर देता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करते हैं अल्टीमेटली वाटर के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टाइप ऑफ पंप्स। बेसिकली हमारे पास जो पंप्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, और सेकंड क्या होता है, रोटोडायनेमिक पंप। फर्स्ट देखो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होते हैं हमारे पास, जो सिंपल अगर हम इसको नाम से समझना चाहें, तो जो पंप किसकी वजह से वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। अब देखते हैं किसकी डिस्प्लेसमेंट की वजह से। देखो होता क्या है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप हमारे पास ऐसे पंप होते हैं जिसमें क्या होता है, एक्चुअली इस तरह से एक चैम्बर होता है, उस चैम्बर के अंदर एक मूविंग एलिमेंट लगा रहता है, जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, फिजिक्स में हमने देख रखा है, पिस्टन का सिस्टम एक लगा रहता है। वो पिस्टन क्या करता है, टू एंड फ्रो मूव करता है, आगे और पीछे मूव करता रहता है, ठीक है। तो इस चैम्बर के अंदर क्या हो रहा होगा, स्पेस बन रहा होगा, जब पिस्टन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो वो क्या करता है, एक प्रकार से लिक्विड को सक करता है, ठीक है। यहाँ पे पाइप लगा होगा, वो क्या करता है, लिक्विड को सक करता है। और जब ये पंप जो हमारे पास पिस्टन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, तो वो लिक्विड को क्या करता है, थ्रो आउट कर देता है इस कंटेनर से। तो वाटर के पास एक प्रकार से क्या होता है, एक एक्सटर्नल इस मूविंग एलिमेंट की वजह से एनर्जी आती है, और वाटर क्या करता है, राइज कर जाता है जहां तक हमें उसे राइज करवाना हो। तो ये जिस तरह के जो पंप होते हैं, जो इस वर्किंग पे गवर्न, इस वर्किंग पे बेस्ड होते हैं, दोस पंप्स आर नोन एज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। देखो यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, दीज आर पंप्स इन विच लिक्विड इज सब, अभी बताया, एंड देन इट इज एक्चुअली पुश्ड और डिस्प्लेस्ड ड्यू टू द थ्रस्ट एग्जर्टेड ऑन इट बाय अ मूविंग मेंबर। मूविंग मेंबर क्या है यहाँ पे, जो मैंने बताया पिस्टन वगैरह जो होता है, पिस्टन का अरेंजमेंट जो होता है, विच रिजल्ट्स इन लिफ्टिंग ऑफ द लिक्विड टू रिक्वायर्ड हाइट। जिस हाइट तक हम पहुंचाना चाहते हैं वहां तक वो क्या करता है, राइज करता है। अब देखो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का कोई एग्जाम्पल पूछेगा तो हमें एग्जाम्पल पता होना चाहिए। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप, जो हम आगे कवर भी करेंगे हमारे कोर्सेज में है। तो क्या होता है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है वो क्या है, रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है। तो अब सेकंड टाइप ऑफ पंप आ गया हमारे पास, सेकंड टाइप ऑफ पंप आर नोन एज रोटोडायनेमिक पंप। देखो इसके भी नाम से पता पड़ रहा है, रोटो वर्ड लगा हुआ है। रोटो मतलब क्या होता है,
रिवॉल्व करने वाला या रोटेट करने वाला कोई एलिमेंट इसके अंदर लगा होगा, ठीक है। तो इसकी बेसिक वर्किंग अगर हम देखना चाहें, अंडरस्टैंड करना चाहें, तो होता क्या है, यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से एक मूविंग एलिमेंट लगा रहता है। वो मूविंग एलिमेंट क्या करता है, किसी सेंटर के अबाउट या कहने जाए यहाँ पे शाफ्ट लगी होती है, उसके थ्रू क्या करता है, वो रोटेट करना स्टार्ट करता है। वो जब वो रोटेट करता है तो ऑटोमेटिकली वो क्या कराता है, वाटर को राइज कराता है। क्या कराता है, वो वाटर को राइज कराता है। वाटर को क्या है, एक एक्सटर्नल एनर्जी देता है बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से वाटर क्या होता है, हमारे पास हायर एलिवेशन पे क्या होता है, डिलीवर होता है। तो अगर हम डेफिनेशन पढ़ना चाहें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, दीज पंप्स हैव अ रोटेटिंग एलिमेंट जिसे हम क्या कहते हैं, इंपेलर। ये नाम हम आगे या ध्यान रखेंगे, इंपेलर। दीज पंप्स हैव अ रोटेटिंग एलिमेंट कॉल्ड इंपेलर थ्रू विच एज द लिक्विड पासेस इट्स एंगुलर मोमेंटम चेंजेस ड्यू टू विच द प्रेशर एनर्जी ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड। अभी डेफिनेशन से परेशान नहीं होना है, अभी देखेंगे कैसे ये हो रहा है। तो अभी जो हमें वर्ड ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि व्हाट इज इंपेलर। इंपेलर क्या होता है, जो रोटेटिंग एलिमेंट होता है हमारे पास पंप में, दैट इज नोन एज इंपेलर। अब वो इंपेलर जब मूव करता है तो वो क्या करता है, एंगुलर मोमेंटम को चेंज करता है। देखो एंगुलर मोमेंटम जब चेंज होगा तो क्या होगा, टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा, हमने क्या देखा है, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम के चेंज से क्या आएगा, टॉर्क लगना स्टार्ट होगा। वो टॉर्क की वजह से हमारे पास लिक्विड की क्या बढ़ जाती है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है। प्रेशर एनर्जी बढ़ने से क्या होता है, उसके हाइट का जो हम राइज करा सकते हैं, ठीक है। इसका अगर हम एग्जांपल देखना चाहें रोटोडायनेमिक पंप्स का, तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। कौन से पंप्स होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो अब हमें ये दोनों ही पंप अपने कोर्स में कवर करने हैं, चाहे रेसिप्रोटिंग पंप हो चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप हो। तो अब जो हम स्टार्ट करेंगे पहले वो किससे स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप से स्टार्ट कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, रेसिप्रोटिंग पंप पढ़ेंगे। जब वेलोसिटी ट्रायंगल भी पढ़ रहे थे तब भी मैंने कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में वेलोसिटी ट्रायंगल का यूज है, इसीलिए पहले हम क्या कवर कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप कवर कर रहे हैं। तो देखो ये हमने सेंट्रीफ्यूगल पंप देख लेते हैं, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्या होते हैं, अभी देखा हमने क्या है, इज अ टाइप ऑफ रोटोडायनेमिक पंप, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, डायनेमिक प्रेशर लग रहा होता है। कैसे लग रहा होता है वो अभी देखेंगे। डायनेमिक प्रेशर डेवलप होता है विच इनेबल्स लिफ्टिंग ऑफ द लिक्विड। लिक्विड किसकी वजह से लिफ्ट करता है, जो डायनेमिक प्रेशर की वजह से। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स वोर्टेक्स फ्लो। लास्ट टाइम जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स कवर किया तो हमने देखा है व्हाट इज वोर्टेक्स फ्लो। वोर्टेक्स फ्लो में दो तरीके के फ्लो होते हैं हमारे पास, फ्री वोर्टेक्स फ्लो एंड फोर्स वोर्टेक्स फ्लो, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं अभी, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो को एक्चुअली में दोबारा से देख लेंगे क्या होता है। देखो अब लास्ट पॉइंट इसने लिखा है, एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज जस्ट रिवर्स ऑफ द रिएक्शन टर्बाइन। देखो यहाँ पे एक लाइन और वर्ड ऐड लिखा रखा है, रेडियली इनवर्ड फ्लो। वो अभी स्किप कर दो यहाँ पे, इसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जब हम टर्बाइन पढ़ लेंगे तब हमें खुद समझ में आ जाएगा कि रेडियली इनवर्ड फ्लो टर्बाइन होती क्या। अभी हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो क्या होता है, जस्ट रिवर्स। रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, किसके कंपैरिजन में उल्टा होता है, टर्बाइन के कंपैरिजन में उल्टा होता है। देखो क्योंकि हमें क्या पता है, टर्बाइन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम में आती है, तो जो टर्बाइन रिएक्शन टर्बाइन की वर्किंग होती है वो जस्ट अपोजिट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल की होती है। तो हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट हमें करना है, जस्ट रिवर्स हमें पढ़ना होता है रिएक्शन टर्बाइन में। तो ऑटोमेटिकली हमारे रिएक्शन टर्बाइन का काफी पोर्शन सेंट्रीफ्यूगल पंप के साथ ही कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं प्रिंसिपल। अभी प्रिंसिपल हमने क्या बोला, प्रिंसिपल मैंने बोला कि किस पे बेस्ड होता है, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो पे बेस्ड होता है। तो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो एक्चुअली में क्या होता है, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो हमने पढ़ रखा है देखो कि अगर किसी मतलब सर्टन मास ऑफ लिक्विड को रोटेट किया जाए बाय यूजिंग एक्सटर्नल टॉर्क, उस पर एक्सटर्नल टॉर्क लगाया जाता है तो ऑटोमेटिकली उसका प्रेशर हेड क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब वो रोटेटिंग लिक्विड का क्या होता है, प्रेशर हेड इंक्रीज कर जाता है। अब ये चीज अगर दोबारा से डेरिवेशन देखनी है तो फ्लूइड मैकेनिक्स के एक बार टॉपिक पे जाके देख लेना, फोर्स वोर्टेक्स में एक्चुअली ऐसा होता कैसे। फ्री वोर्टेक्स इससे कैसे डिफरेंट होता है, फ्री वोर्टेक्स में कुछ नहीं होता, फ्री वोर्टेक्स के केस में कोई एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। क्या होता है, हम क्या कहते हैं, कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है उसके, बस वो क्या होता है, फ्लूइड अपने ही मोशन के कारण क्या करता है, राइज कर जाता है विदाउट एनी एक्सटर्नल टॉर्क, विदाउट हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल टॉर्क। तो पर फोर्स वोर्टेक्स, फोर्स वर्ड के कारण, फोर्स वर्ड किसको इंट्रोड्यूस कराता है, एक एक्सटर्नल टॉर्क को इंट्रोड्यूस कराता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम देखना चाहें इस सिस्टम में तो क्या हो रहा है, ये एक एक्सेस है इस सिलेंडर की, उसके अबाउट मैंने क्या किया, ओमेगा स्पीड से, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या किया, अपने इस टैंक को रोटेट कराया जो कि लिक्विड से भरा होगा। तो लिक्विड से जब ये भरा होता है, जैसे अगर यहाँ पे देखना चाहूंगा, अगर यहाँ पे देखें ये एक टैंक है, ये इसकी एक्सेस है, इसको मैं ओमेगा स्पीड से रोटेट कराता हूँ, पहले जो वाटर था वो क्या था, इस लेवल तक बना भरा हुआ था, ठीक है।
जब मैं इसको राइज जब मैं यहाँ पे देखूंगा, जब मैंने इसे एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कराना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, इस तरह से क्या है, एक सरफेस बनाता है, ठीक है। तो ये जो राइज ऑफ वाटर होता है ये हमने देख रखा है, ये राइज ऑफ वाटर फ्री वोर्टेक्स के केस में हमने क्या निकाली थी, फ्री वोर्टेक्स के केस में हमने डेरिवेशन करी थी, जेड इज इक्वल टू कितना होता है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन टू जी इफेक्टिव का फॉर्मूला निकल के आया था फ्री वोर्टेक्स के केस में। ऐसे ही फॉर्मूला हम किसके केस में ड्राइव कर सकते हैं, फोर्स वोर्टेक्स के केस में भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि एंगुलर वेलोसिटी के कारण राइज होता है हमारे पास, या प्रेशर में इंक्रीज होता है, वो अल्टीमेटली किसमें चेंज होता है, हाइट राइज में चेंज होता है। तो देखो इसी पे हमारा क्या होता है, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसी पे बेस्ड करता है। कैसे, देखो अभी जब राइज हो रहा है तो ये हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या एडिशनली कहीं कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उसकी हाइट यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक्स्ट्रा पाइप्स लगा के इनको क्या करा देंगे, किसी पॉइंट तक राइज करवा देंगे, किसी पॉइंट तक हम क्या करा देंगे, राइज करा देंगे। पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से कंटिन्यूअसली वाटर को क्या करना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा इस टैंक में। जब वाटर देखो कंटिन्यूअसली सप्लाई होता रहेगा और ये जो टैंक है हमारे पास ये रोटेट करता रहेगा, तो वो वाटर क्या होगा, कंटिन्यूअसली राइज करता रहेगा। तो देखो अब इसको हम देखें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो रोटेटिंग टैंक है वो एक्चुअली इसकी जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या है हमारे पास, अभी देखा हमने क्या होता है, इंपेलर होता है जो कि ओमेगा स्पीड से राइज रोटेट कर रहा होता है। एक इंपेलर है जो क्या है, ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है, उसके कारण उस पे उस इंपेलर पे कंटिन्यूअसली वाटर कॉन्टेक्ट में रहता है, और वो वाटर कॉन्टेक्ट में रहने के कारण क्या करता है, वो राइज कर जाता है एक पॉइंट पे। देखो यही लिखा हुआ है, इफ अ लिक्विड इज रोटेटिंग विद सफिशियंट हाई वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी कौन रोटेट कराएगा उसको, इंपेलर रोटेट कराएगा, सो एज टू इनेबल इट टू राइज बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर की वॉल से बाहर निकल जाए। इफ लिक्विड इज कॉन्स्टेंटली सप्लाइड एट द सेंटर बाय सम सूटेबल मींस, द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड वुड बी टू फ्लो आउट, लिक्विड क्या है बाहर निकलता जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल के केस में जब वो बाहर निकल रहा होगा तो हम क्या करते हैं, पाइप लगा देते हैं वहां पे, डिलीवरी पाइप्स कहते हैं उनको, वो पाइप्स क्या कराते हैं, वाटर को ऑटोमेटिकली जहां तक हमें राइज कराना हो वहां तक राइज कराते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया सबको, प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल प्रिंसिपल हमें क्या ध्यान रखना है, जो वो किस पे बेस्ड रहता है, फोर्स वोर्टेक्स फ्लो पे बेस्ड रहता है, और कैसे वर्क करता है बेसिक वो हमने यहाँ पे देख लिया, कैसे वर्क करता है, हम कंटिन्यूअसली वाटर को सप्लाई करते रहते हैं जो कि राइज जाता है। तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप, हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप के। देखो जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, देयर आर फाइव मेन कंपोनेंट्स, कौन कौन से, फुट वॉल, सक्शन पाइप, इंपेलर, केसिंग और डिलीवरी वॉल। देखो ये एक डायग्राम बना रखा है, कंप्लीट डायग्राम, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये क्या है, कंप्लीट डायग्राम है सेंट्रीफ्यूगल। और सेंट्रीफ्यूगल पंप कहाँ पे लगा हुआ है, ये जो हमारे पास पोर्शन है ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, ठीक है, ये दिख रहा है सबको, ये पोर्शन हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का है। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है एक्चुअली। देखो होता क्या है, ये हमारे पास ये लेवल है जहाँ पे हमारे पास क्या है, वाटर स्टोर है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरहेड टैंक तक पहुँचाना है, या किसी भी ऐसे पॉइंट पे पहुँचाना है जिसकी हाइट ज्यादा है हमारे, जहाँ पे हमारा अभी करंट वाटर है, तो ये हमारे पास क्या है, ओवरहेड टैंक तक पहुँचाना है। तो हम एक्चुअली क्या करना चाहते हैं, वाटर को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक डिलीवर करना चाहते हैं। तो देखो इस पॉइंट से जब इस पॉइंट तक डिलीवर करना चाहते हैं तो हमने क्या लगाया, बीच में एक पंप लगा दिया है, ठीक है। तो वाटर क्या करेगा, पहले यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, देन पंप की हेल्प से वो यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा। तो ये बेसिक वर्किंग होती है हमारे पास, या बेसिक वर्किंग है हमारे पास एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो देखो अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स का बार बार हम यूज कर रहे हैं, देखो हो क्या रहा है हमारे पास, जब स्टार्ट होता है वाटर जहां से हमें सक करना होता है, वो जो सम एरिया जो हमारे पास होता है वहां पे सबसे पहले क्या लगा होता है, एक स्ट्रेनर लगा होता है। क्या लगा होता है, स्ट्रेनर, यहाँ पे नाम देख सकते हो, स्ट्रेनर का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में हमारे पास स्ट्रेनर होता है छन्नी। क्या होता है, स्ट्रेनर का जो बेसिक वर्क होता है फिल्टर या छन्नी का काम होता है। तो जो इस पानी में मिट्टी वगैरह होगी वो क्या हो जाएंगी, रुक जाएंगी, जब जैसी वो अंदर को आने लग जाएगा वो मिट्टी वगैरह को, या फिर जो हमारे बोल्डर्स या पत्थर या कुछ भी एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो हमारे इंपेलर को ब्लेड्स को खराब कर सकता है, वो उन्हें क्या कर लेगा, रोक लेगा। उसके बाद जो उसी के साथ लगा होता है एक पार्ट, वो क्या होता है, फुट वॉल्व का होता है। वॉल्व जब भी अब ध्यान आगे जब भी पढ़ोगे वॉल्व का ध्यान रखना, वॉल्व एक प्रकार से क्या है, नल की तरह समझ लो, जो ओपन और क्लोज हो सकता है, ठीक है। अब वॉल्व, ये वॉल्व, फुट वॉल्व क्या होता है अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो देखो जब हमारा यहाँ से इंपेलर घूमना स्टार्ट करता है तो वो वाटर को क्या करता है, अपनी तरफ सक करता है इस तरह से, ठीक है। तो ये जो पाइप जो सक करवाती है इंपेलर को, वो क्या कहलाती है, सक्शन पाइप। क्या कहलाती है हमारे पास, सेकेंड जो कंपोनेंट होता है हमारे पास, दैट पाइप इज नोन एज सक्शन पाइप। सक्शन पाइप की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, फुट वॉल से स्टार्ट होती है, और लगभग ये कहाँ जाती है, जो हमारे पास सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप होती है, पंप की सेंट्रल लाइन तक जाती है, ठीक है, ये क्लियर है सबको।
अब देखो फुट वॉल हमारे पास क्या होता है, फुट वॉल हमारे पास होता है नॉन रिटर्निंग वॉल, नाम ध्यान रखना, फुट वॉल आर नॉन रिटर्निंग वॉल, ये बुक्स में तुम्हें बहुत लिखा मिलेगा। नॉन रिटर्निंग वॉल का मतलब होता है कि उसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में वाटर मूव कर सकता है, तो मतलब अगर वाटर यहाँ से यहाँ गया वही मूव कर सकता है। तो सडनली अगर मैं अपने इस मशीन को, इस पंप को रोक दूंगा तो ऐसा ये वॉल क्या होता है, क्लोज रहता है हमेशा, इस डायरेक्शन में वाटर को मूव नहीं करने देगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर कोई पूछे नॉन रिटर्निंग वॉल का मतलब क्या है, उसमें वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है हमारे वॉल का, तो वो क्या कर रहा है, केवल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए अलाउ कर रहा है फुट वॉल। ठीक है, ये क्लियर है सबको? देखो जो हमारा सक्शन पाइप होता है उस पर वैक्यूम गेज लगा रहता है, वैक्यूम गेज का क्या काम होगा, प्रेशर नापने का, नेगेटिव प्रेशर, वैक्यूम ऑब्वियसली नेगेटिव प्रेशर है इन कंपैरिजन टू एटमॉस्फेरिक, ऐसा क्यों होगा अभी आगे देखेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, हमारे पास एक सेंट्रल लाइन होती है, ये क्या डिनोट कर रही है, सेंट्रल लाइन ऑफ द पंप। तो जो हमारा फुट होता है या फिर सॉरी जो हमारा स्लंप होता है, वहां से सेंट्रल लाइन तक की जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है, सक्शन हेड, क्या कहलाता है, एच एस से डिनोट किया है, दैट इज नोन एज सक्शन हेड। देखो उससे ऊपर जहां तक हमें वाटर को ले जाना है वो हाइट हमारे पास क्या कहलाती है, डिलीवरी हेड, क्या कहलाती है, एच डी से डिनोट किया, दैट हाइट इज नोन एज डिलीवरी हेड। तो देखो अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, सक्शन पाइप के बाद ये जो इम्पेलर बना हुआ है दिख रहा है, दिस इम्पेलर, ये जो सर्कुलर पार्ट या रोटेटिंग एलिमेंट लगा हुआ है जो रोटेट होगा वो क्या कहलाता है, इम्पेलर कहलाता है। देखो यहाँ पे बना हुआ है, ओमेगा स्पीड से रोटेट करेगा, और यहाँ पे देख सकते हो किससे कनेक्टेड है, एक शाफ्ट से, एस से डिनोट किया है, शाफ्ट से कनेक्टेड होगा, इस तरह से क्या होगी, इनटू द स्क्रीन एक शाफ्ट लगी होगी जो किसके कारण, मोटर के सॉरी एक इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी। ठीक है, या मोटर से रोटेट कर रही होगी। अब देखो शाफ्ट सॉरी ये जो इम्पेलर है इसके बाहर क्या होता है, कवर लगाते हैं, ये दिख रहा है ये कवर, इसके बाहर हमने क्या किया, एक कवर लगाया, ये कवर क्या कहलाता है हमारे पास, केसिंग। देखो इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी हम देखेंगे आगे केसिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या लगा रहता है, हमारे पास एक पाइप लगी रहती है लास्ट में जो केसिंग को ओवरहेड टैंक से कनेक्ट करती है, दैट पाइप इज नोन एज डिलीवरी पाइप, क्या कहलाती है, वो फिफ्थ एलिमेंट हमारे पास हो गया या फिफ्थ कंपोनेंट हो गया, दैट पाइप ऑफ दैट पाइप इज नोन एज डिलीवरी पाइप, डिलीवरी सॉरी यहाँ पे वॉल लिख दिया, इसको ठीक कर लेना, ये क्या होगा, पाइप होगा, डिलीवरी वॉल्व क्या होता है, पाइप में ही लगा रहता है, तो ये क्या हो गया, डिलीवरी पाइप। देखो अब हमें पता है फुट वॉल का काम पता पड़ गया, स्ट्रेनर का काम पता पड़ गया, सक्शन पाइप का काम पता पड़ गया, डिलीवरी का पाइप का काम पता पड़ गया, क्या है, टू डिलीवर द वाटर फ्रॉम द केसिंग टू द ओवरहेड टैंक। अब देखो हमारे पास इंपेलर का काम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इंपेलर का क्या काम है हमारे पास, इंपेलर का काम है रोटेट करने का और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इम्पार्ट करने का, टू इम्पार्ट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टू द लिक्विड। और इंपेलर में ही हमारे क्या होते हैं, ब्लेड्स लगे रहते हैं, ये जो ब्लेड्स लगे, हमने जब हम वेलोसिटी ट्रायंगल पढ़ रहे थे हमने वेन्स की बात करी थी, यही वो वेन्स है, उन्हें वेन्स कह लो चाहे ब्लेड्स कह लो। ठीक है, अब हमारे पास आ गया इंपॉर्टेंट पार्ट, क्या है, केसिंग। केसिंग का देखो काम क्या होता है, देखो जब वाटर इंपेलर से बाहर निकलेगा तो वो क्या है, किसी पेरिफेरी में रोटेट करता है, इस तरह से दिख रहा है, ये क्या कर रहा है, एक पेरिफेरी में रोटेट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके साथ रोटेट करते हुए आगे को मूव करेगा और यहाँ जाके डिलीवरी पाइप में चले जाएगा। ठीक है, अब देखो केसिंग में एक खास बात तुम यहाँ पे देख सकते हो कि केसिंग का जो एरिया है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ पे जो एरिया है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू यहाँ पे जो एरिया है, तो जो स्टार्ट में जो एरिया होता है वो कम होता है और जो एंड में जो एरिया होता है वो ज्यादा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, अभी जब हम वर्किंग पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको? देखो ये दीज ऑल आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये सारे हमारे पास क्या है, सेंट्रीफ्यूगल पंप के कंपोनेंट्स है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या है, एक एनिमेटेड वीडियो टाइप की मैंने लगाने की कोशिश करी है, एक एनिमेटेड वीडियो है, इस वीडियो को एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि ये वीडियो एक्चुअली में, देखो ये वीडियो को एक बार हम चला के देखते हैं कि कैसे वर्किंग हो रही है यहाँ पे अगर हम देखना चाहें। तो देखो ये क्या है, एक प्रकार से हमारे पास क्या है, एक सेंट्रीफ्यूगल पंप है, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या है, एक एनिमेटेड पार्ट दिखा रखा है। तो ये क्या है, देखो ये बाहर वाला हिस्सा जो हमारे पास, ये क्या है, केसिंग है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, ये जो पोर्शन है, ये जो निकला हुआ एक्स्ट्रा निकाल के दिखाया गया है, दिस इज योर इम्पेलर, ये क्या होता है, इम्पेलर होता है। देखो इसमें क्या है, ब्लेड्स तुम देख सकते हो अभी ये वीडियो में, देखो ये क्या है, दीज आर ब्लेड्स, या जो वेन्स हमने पढ़ी थी ये क्या कहलाता है, ब्लेड्स कहलाता है। अब जो हमारा इम्पेलर होता है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है किसके अंदर सबमर्ज रहेगा, वाटर के अंदर सबमर्ज रहेगा, ये पेरिफेरी में क्या दिखा रखा है, वाटर के अंदर हमेशा सबमर्ज रहेगा। तो होता क्या है, वाटर में जब वो सबमर्ज रहता है और वो रोटेट करना स्टार्ट करता है, देखो हमने क्या पढ़ा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगनी स्टार्ट हो जाएगी वाटर पे और वाटर क्या है, बाहर को मूव करने लग जाएगा। ठीक है, वो जो हमने अभी प्रिंसिपल पढ़ा फोर्स वोर्टेक्स का, तो रोटेशन के कारण क्या है, वाटर बाहर निकल जाएगा, इसके कारण वाटर की क्या होगी,
प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अभी जो जहां से वाटर एंटर करता है वो दैट पोर्शन इज नोन एज आई, और यहाँ पे हमेशा प्रेशर क्या रहता है, कम रहता है, लेस देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्यों? तभी तो वाटर क्या करेगा, जो स्लंप से या सम्प से कहां मूव करेगा, आई की तरफ मूव करेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव प्रेशर रहता है एट द आई, आई पे हमेशा प्रेशर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। तो दूसरी चीज हम क्या कहते हैं, एक फंक्शन होता है प्राइमिंग का, प्राइमिंग का फंक्शन मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। अभी यहाँ पे और चीजें देख लो, जब ये इंपेलर रोटेट करता है तो ये क्या है, बाहर की केसिंग में क्या करता है, वाटर पे फेंकता है, और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है उसके कारण क्या होता है, राइज होता है। ठीक है, अब देखो बाकी चीज अगर हम यहाँ पे देखना चाहें, यहाँ पे एक चीज और देख सकते हो तुम, ये केसिंग का मैंने क्या बोला, केसिंग इस तरह से मूव कर रही है, यहाँ पे देख रहे हो केसिंग इस तरह से मूव कर रही है, इस केसिंग का जो एरिया हो रहा है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। देखो यहाँ से वाटर चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जाएगा, तो इस तरह से वाटर एंटर करेगा और इस तरह से लिफ्ट कर जाएगा। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो केसिंग का एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर जा रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें समझना है इसका ऑब्जेक्टिव ये क्या है, क्या है, जब एरिया कम होगा तो देखो वेलोसिटी ज्यादा होगी, जहां पे एरिया कम होगा वहां पे क्या होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वो वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो जब वेलोसिटी कम होती जाएगी इसका मतलब क्या, इंक्रीज करता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। क्यों, बर्नौली हमने पढ़ रखी है, जहां जहां वेलोसिटी जैसे गिरेगी वैसे वैसे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे हम बाहर को निकल रहे होंगे प्रेशर हमारा क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। देखो अब इंपेलर में जो ब्लेड्स होती है वो अलग अलग तरीके से लगी होती है, यहाँ पे जो ब्लेड दिख रही है वो क्या है, बैकवर्ड कर्व्ड वेन है। यहाँ पे जो एंगल तुम देखोगे बीटा एंगल वो क्या है, 90 डिग्री से ज्यादा है। तो दीज ब्लेड्स आर नोन एज बैकवर्ड कर्व्ड वेन्स। ठीक है, अब देखो एक और फिनोमिना बहुत इंपॉर्टेंट जो हमें ध्यान रखना है, हमने हमेशा देखा है जब भी प्रेशर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम क्या चांसेस होते हैं कैविटेशन के, कब हो सकते हैं, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे जो पानी में हो कभी भी इस पॉइंट पे इतना नेगेटिव प्रेशर ना हो जाए कि वो क्या हो जाए, वेपर प्रेशर से कम हो जाए। अगर वेपर प्रेशर से कम हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैविटेशन हो जाएगा और मशीन खराब हो जाएगी। और यही जो प्रेशर होता है यही गवर्न करता है हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को कितना ऊपर रख सकते हैं, कितनी हाइट तक हम अपना क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप रख सकते हैं। बाद में हम एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का, वो बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, उसको रहने दो अभी। तो यहाँ पे क्या है, इंपेलर भी हमारे क्या होते हैं, टाइप्स हो सकते हैं, इंपेलर के भी टाइप्स हो सकते हैं, चाहे इनक्लोज इंपेलर, सेमी ओपन इंपेलर, इंपेलर और ओपन इंपेलर, ये देखते हैं अभी। ठीक है, तो ये बेसिक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा कि ये क्या हमारे पास बेसिक है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक हो गया, वर्किंग कैसे होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, एक एनिमेटेड वीडियो से मैंने समझाने की कोशिश करी है। अब यहाँ पे देखो एक चीज होती है हमारे पास जो मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था, प्राइमिंग का कंसेप्ट। चलो प्राइमिंग का कंसेप्ट हम थोड़ा आगे देखेंगे जब हम आगे चले जाएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ दी पंप, हमारे पास पंप में कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, या सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम या रोटोडायनेमिक पंप को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो रोटोडायनेमिक पंप कैन बी क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो, वर्किंग हेड, टाइप ऑफ केसिंग और टाइप ऑफ इंपेलर। ये नाम लिख रखे हैं, आगे देखते हैं कैसे होते हैं। देखो जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो होती है इनसाइड द इंपेलर होती है। अभी हमने देखा इंपेलर हमारे पास ये होता है, इंपेलर में यहाँ पे आई होती है, क्या होती है, आई। अभी हमने देखी व्हाट इज, जहां से वाटर एंटर करता है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, आई। तो ये एक प्रकार से यहाँ पे आई मान लो। तो आई में जब वाटर एंटर कर रहा है और जब वो बाहर को निकल रहा है, वो अगर ऐसे निकल रहा है डायरेक्ट रेडियली बाहर निकल रहा है, ये रेडियस हुई ना हमारी, ये क्या हुई हमारे पास रेडियस, तो रेडियली बाहर निकल रहा है तो रेडियल फ्लो कहलाता है। तो वो क्लासिफाई हम कैसे कर सकते हैं, रेडियल फ्लो जो हमारा इंपेलर हो गया वो सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाते हैं। ऐसे पंप जहां पे फ्लो क्या हो जाए, रेडियली निकल जाए बाहर, दोस पंप्स आर नोन एज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहलाते हैं। तो देखो सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है, हमारे पास मिक्स्ड भी हो सकता है कि वाटर ऐसे एंटर कर रहा और जब वो बाहर को निकल रहा है तो कुछ इंक्लाइन निकल रहा है, ना ही रेडियली निकल रहा है ना ही एक्सियली, ये क्या हो गई, एक्सेस हो गई मेरी सेंट्रीफ्यूगल पंप की या रोटोडायनेमिक पंप की। तो दीज टाइप्स ऑफ फ्लो आर नोन एज मिक्स्ड फ्लो। और लास्ट हमारे पास क्या होता है, जहां पे क्या होता है, एक्सियल फ्लो होते हैं कि वाटर एक्सियली एंटर करता है और एक्सियली बाहर निकल जाता है, इसी डायरेक्शन में क्या है, बाहर भी निकल गया। तो ये जो फ्लो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सियल फ्लो कहलाते हैं। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास मिक्स फ्लो कब यूज होता है, ये डेफिनेशन पढ़ लेना, वही चीज लिखी हुई है जो मैंने बताई है। ये क्या होता है हमारे पास, ये मीडियम डिस्चार्ज और मीडियम हेड के लिए यूज होते हैं। ध्यान रखना एक्सियल फ्लो जहाँ पे भी होगा वो कब यूज होंगे, हाई डिस्चार्ज, मोर डिस्चार्ज और लेस हेड के लिए। वो हमेशा क्या होता है, ज्यादा डिस्चार्ज देते हैं पर जो हेड प्रोवाइडेड बाय देम होगा वो क्या होगा, कम होगा, मतलब बहुत ज्यादा हाइट तक हम राइज नहीं करा सकते अपना। वर्किंग हेड के बेसिस पे हम देखना चाहें तो क्या होगा, जब 15 मीटर से कम होगा तो लो लिफ्ट कहलाएगा, 15 से 40 के बीच होगा तो मीडियम लिफ्ट कहलाएगा, और 40 मीटर से ज्यादा की हाइट पे लिफ्ट कराना है तो क्या होता है, हाई लिफ्ट कहलाता है। देखो अब केसिंग के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने
जो रोटोडायनेमिक पंप होता है या सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है उसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब वो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अभी मैंने क्या बोला था, केसिंग का एरिया क्या होता है, धीरे धीरे इंक्रीज कर, यहाँ पे देखो डायग्राम में क्लियर दिख रहा है वाटर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो एरिया क्या होता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। क्यों इंक्रीज करता जा रहा है, दोबारा से वो जो वर्किंग वाला है वीडियो पॉज करके पीछे जाके देखो क्यों इंक्रीज कर रहा है। देखो यही क्रॉस सेक्शन को मैंने कट करके यहाँ दिखाया, ये क्रॉस सेक्शन को हम कट करके यहाँ दिख रहे हैं वाई वाई क्रॉस सेक्शन को। तो होता क्या है, वाटर इस तरह से एंटर करता जाता है और ये जो हिस्सा है, ये जो बल्ब नजर आ रहा है बाहर से, वो क्या शो कर रहा है, इंपेलर, सॉरी वो क्या शो कर रहा है, केसिंग को शो कर रहा है, सॉरी इंपेलर, ये दिस इंपेलर क्या है हमारे पास, ये इंपेलर की ब्लेड्स को शो कर रहा है। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है, इस केस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एडीज लॉसेस बहुत होते हैं, जैसे ही वो इंपेलर से बाहर निकल के क्या होता है केसिंग में जाता है, तो एडीज लॉसेस बहुत होते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, एक वॉल्यूट चैम्बर लगाया, हमने क्या किया, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है, दिस इज शोइंग वॉल्यूट चैम्बर, क्या शो कर रहा है, वॉल्यूट चैम्बर हमने, या सॉरी वोर्टेक्स चैम्बर, नॉट वॉल्यूट चैम्बर। हमारे पास तीन तरीके के पंप होते हैं, वॉल्यूट पंप, वॉल्यूट केसिंग विद वोर्टेक्स चैम्बर, और लास्ट इज टर्बाइन पंप। तो इस वाले केस में क्या होता है, एडीज लॉसेज बहुत ज्यादा होती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए हमने क्या करा है, ये जो सर्कुलर दिख रहा है एक्स्ट्रा डॉटेड, ये जो पोर्शन है ये हमने एडिशनल ऐड करा है, ताकि हमारे पास क्या हो, एडीज का लॉसेज क्या हो जाए, मिनिमाइज कर सके हम। तो एडीज का लॉसेज जब हम मिनिमाइज करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा चैम्बर हम लगाते हैं वो चैम्बर क्या कहलाता है, वोर्टेक्स चैम्बर। तो ऑब्वियसली इसका, इसके वॉल्यूट पंप के कंपेरिजन में वॉल्यूट केसिंग विद वोर्टेक्स चैम्बर की एफिशियंसी अच्छी होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें यहाँ याद रखना है, वो क्या याद रखना है, कि वोर्टेक्स चैम्बर में क्या होता है, फ्री वोर्टेक्स पंप होता है। वोर्टेक्स चैम्बर में कौन सा फ्लो होता है, फ्री वोर्टेक्स फ्लो होता है। लास्ट तरीके के जो हमारे पास चैम्बर्स या फिर हम केसिंग यूज करते हैं, वो कौन सी होती है, टर्बाइन पंप की केसिंग्स होती है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, हम एडिशनल क्या लगा देते हैं, गाइड ब्लेड्स लगा देते हैं या गाइड वेन्स लगा देते हैं। देखो ये जो हमारा इसके अंदर वाला पोर्शन है, ये क्या है, इंपेलर का, ये सॉरी ये जो पोर्शन है वो क्या है, इंपेलर का। इसके बाहर जो ये ब्लेड्स लगी हुई दिख रही है तुम्हें, ये ब्लेड और ये ब्लेड, दीज ऑल आर गाइड वेन्स। गाइड वेन्स का बेसिक काम क्या है, कि इस तरह से वाटर को एंटर करवाए, ताकि विदाउट शॉक, विदाउट शॉक होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास लॉसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रोटोडायनेमिक पंप बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ केसिंग। कितनी तरीके की केसिंग होगी, तीन तरीके की केसिंग होगी, वॉल्यूट पंप, देखो इसकी थ्योरी लिखने को आती है, वॉल्यूट पंप, वॉल्यूट केसिंग विद वोर्टेक्स चैम्बर, एंड थर्ड वन इज डिफ्यूजर पंप और टर्बाइन पंप। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो आज का है वो क्या है, टाइप बेस्ड अपॉन द इंपेलर, टाइप ऑफ इंपेलर पे। देखो टाइप ऑफ इंपेलर का भी वो जो वीडियो मैंने एनिमेटेड दिखाई थी, उसके लास्ट में दिखाया था कि एक क्लोज होता है, एक सेमी ओपन होता है, और लास्ट वन इज ओपन होता है। तो एक बार उस वीडियो में डायग्राम देख लेना, समझा देता हूँ। जो क्लोज होता है वो जनरली नॉन विस्कस फ्लूइड को, जैसे पानी और केमिकल्स को लिफ्ट कराने के काम में आता है। सेमी ओपन इंपेलर किसके काम में आते हैं, विस्कस लिक्विड को उठाने के काम में आते हैं, जैसे सीवेज वाटर वगैरह को उठाने। थर्ड वन जो हमारे पास होता है ओपन इंपेलर, वो क्या होते हैं, जैसे मडी वाटर को उठाने, कीचड़ वगैरह को कहीं लिफ्ट कराना पड़ रहा है, जैसे हमें कोई गड्ढा है वहां पे कीचड़ बैठ गया, वहां से उठाना है लिफ्ट, तो वहां पे हम कौन से यूज करते हैं, ओपन इंपेलर। उसका कारण क्या, देखो क्लोज इंपेलर में चांसेस होते हैं कि अगर कोई बोल्डर या फिर इस तरह से कोई बड़ा पार्टिकल आ जाए तो वो इंपेलर के अंदर फंस जाएगा, और फिर उसकी क्या है, मेंटेनेंस करना मुश्किल होता है। इसीलिए हम उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, ओपन इंपेलर पंप यूज करते हैं। ओपन इंपेलर पंप में कुछ फंस भी गया तो उसकी मेंटेनेंस करना बहुत आसान होता है। ठीक है, पर ध्यान चीज क्या रखनी है, मोस्ट एफिशिएंट कौन सा होता है इसमें, क्लोज होता है। जैसे जैसे हम इधर को मूव कर रहे हैं, एफिशिएंसी क्या होती है, बेकार होती जा रही है। ओपन इंपेलर की एफिशिएंसी मिनिमम होती है, सबसे कम होती है ओपन इंपेलर की एफिशिएंसी इन कंपैरिजन टू दीज थ्री। तो सेमी ओपन की एफिशिएंसी होगी वो क्या होगी, इन बिटवीन क्लोज एंड ओपन इंपेलर होगी। ठीक है, तो आज का ये टॉपिक था हमारा, होपफुली समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से, इसको नहीं समझ में आया वो पूछ ले एक बार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम वर्किंग हेड वगैरह के बारे में बात करेंगे, हेड कौन कौन से होते हैं।